महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल ने कहा कि गैस व पेट्रोल के बढ़े हुए दामों के पीछे मोदी की पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाली नीतियां हैं। जब से मोदी सरकार बनी है, सार्वजनिक उपक्रमों को खत्म करने के प्रयास किए गए हैं। पेट्रोल के दाम 100 रुपए हो गए हैं, जिससे हर चीज महंगी हो गई है। कांग्रेस की सरकार में 400 का सिलेंडर आज 900 का है, जो मोदी 2014 में गरीब मध्यम वर्ग के हितैषी के रूप में सत्ता में आए थे, उनकी गलत नीतियों के कारण आज किसान सड़कों पर व गरीब दो वक्त की रोटी के लिए मोहताज है। प्रदर्शन के जरिए सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि आप अभी भी होश में आइए, गरीब जनता के साथ उनकी दोज, उनकी जो वो रोटी खाते हैं उनके साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आप जनता के साथ ये वादा करके ये विश्वास दिला के आप सत्ता में आए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार भाजपा सरकार, बहुत हुई महिलाओं पे मार अब की बार भाजपा सरकार। लोगों ने विश्वास करके इनको मैंडेट दिया, लेकिन आज आप नतीजा हम सबके सामने है। युवा सड़क पे, महिला सड़क पे, बेरोजगार सड़क पे, हर किसान सड़क पे, डॉक्टर सड़क पे, इंजीनियर सड़क पे। इन्होंने कहा कि आपदा में आप अवसर ढूंढिए, और इन्होंने बिल्कुल आपदा में अवसर इन्होंने ढूंढा। कोरोना काल में बड़ी मुश्किल से लोग 2 जून की रोटी खा पाए कोरोना काल में। अब जब जिंदगी थोड़ी पटरी में आने लगी तो इन्होंने लगातार अभी पिछले 8-9 दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए, सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। क्या इतनी निरंकुश, इतनी तानाशाही और इतनी निर्दयी सरकार हमने आज तक नहीं देखी, जिन्होंने जनता के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। और ये कहते थे कि 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया, और भाई तुम्हें जो तुमने 70 साल में किया वो तुम्हें मुबारक। ऐसा 70 साल में कभी नहीं हुआ कि पेट्रोल और डीजल के दाम आप देख रहे हैं 100 के पार हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात, अब पेट्रोल स्टेशन पे, पेट्रोल पंप पे जो मीटर लगे हैं ना, वो सारे मीटर बदलने पड़ेंगे, क्योंकि वो 2 डिजिट में ही पैसा लेते हैं। अब 3 डिजिट का उनको पेट्रोल पंप के मालिकों को सारे पंप के मीटर चेंज करने पड़ेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि उसका फायदा किसको होगा, बड़े बड़े पूंजीपतियों को होगा। पीआरटीवी के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।